Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 2, Historical Development of Competition Law. So let's quickly go through the synopsis first. Here we will study the history and development of competition law or antitrust law. In some countries they called it antitrust law. Development of competition laws in US, UK and EU. Sachar Committee Report, Raghavan Committee Report. Salient features of the MRTP Act 1969. Competition Act versus MRTP Act 1969. That is comparison. Competition Act 2002. Objectives and salient features. Important definitions under the Competition Act 2002. I have uploaded a separate video on this topic where I have covered all the definitions. The video has been uploaded before this. Also, I'll share the link. Whenever you will see the video, you will see in the description here the link of that video. Brief overview of competition law in USA, UK and EU. So let's get started. First, introduction. Now let me come with the word competition. Competition मतलब क्या कि इकोनॉमिकली या इन इकोनॉमिक वे जो एक कॉम्पिटिशन है बिटवीन द एंटिटीज कंपनीज विद द मोटो ऑफ व्हाट टू गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर, राइट. कॉम्पिटिशन किस बात का होता है कि सबसे ज़्यादा कस्टमर हमको मिले या फिर टू अर्न द प्रॉफिट. तो इस चीज़ का जो कॉम्पिटिशन है to bring it into a fair manner, competition law was brought into picture, right. Competition law को कुछ countries में anti trust law भी बोलते हैं. Free और fair competition लाना हमारा objective है, क्यों, ताकि एक ऐसा atmosphere create हो, एक ऐसा environment create हो कि सारे business और overall पूरा country prosper करे. Main objective क्या है कि सब companies fairly compete fairly. जो सबसे पहला कंपटीशन के रेगुलेशन के लिए जो एक्ट आया था सबसे पहले वो था MRTP एक्ट 1969. यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969. और उसके बाद जब वो इनएडिक्वेट लगा, कुछ प्रोविजंस चेंज करने का नीड लगा, तब आया कंपटीशन एक्ट 2002. एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम देखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन लॉ इन इंडिया. तो अगर इंडिया का हिस्ट्री देखा जाए तो इंडिया ने तो सबसे पहला कंपटीशन लॉ का एनेक्ट कर दिया था 1969 में इन द फॉर्म ऑफ MRTP एक्ट 1969, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969. ये एक्ट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था 1967 में. और उसके बाद ये एक्ट कब से फोर्स में आया, फ्रॉम 1 जून 1970. तो ये हमारा सबसे पहला एक्ट था. ये एक्ट 40 इयर्स प्लस इंडिया में ये एक्ट था, ठीक है. तो MRTP एक्ट आ गया 1 जून 1970 से. फिर भी जो बिज़नेस में चेंजेस आए, मार्केट इकोनॉमी में जो चेंजेस आए, वो सबको देखते हुए एक नीड महसूस हुआ कि इस एक्ट को चेंज करना चाहिए और इसको कंपटीशन एक्ट 2002 से रिप्लेस किया गया. तो जब MRTP एक्ट 1969 आया ना, तो तब जो सोशो इकोनॉमिक फिलोसॉफी थी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थे, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे. MRTP एक्ट बहुत सारे अमेंडमेंट से अंडर थ्रू गया है. अमेंडमेंट्स हुए उसमें 1974 में, 1980 में, 1982 में, 1984 में, 1986 में, 1988 में, 1991 में. मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए. जो अमेंडमेंट्स 1982 और 1994 में हुए थे ना, वो अमेंडमेंट्स हुए थे सचार कमेटी के अंडर. ये जो कमेटी है ना, इसके जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो थे जस्टिस राजेंद्र सचार. इन द ईयर 1977 ये कमेटी बिठाई गई. उसके जो चेयरमैन थे वो थे जस्टिस राजेंद्र सचार। तो ये दो अमेंडमेंट उनके कमेटी के अंदर किए गए। ये जो कमेटी है ना, इससे दो चीज़ें पॉइंट आउट की। सबसे पहले क्या, सबसे पहले ये कि एडवर्टाइजमेंट हो, सेल्स प्रमोशन हो, ये चीज़ों का ना बहुत डायरेक्ट इफेक्ट गिरता है कस्टमर पे, उनकी बाइंग पे। तो जो ये एडवर्टाइजमेंट है वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि दे आर चीटिंग और दे आर मिसलीडिंग द कस्टमर्स। तो उनका पहला पॉइंट ये था कि एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशंस मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए। और दूसरा ये था जो बार्गेन है, फॉल्स बार्गेन या फिक्टिशियस बार्गेन कस्टमर को दे के, उनको वो राइट दे के, और सेलर ने ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि कस्टमर को कुछ कम पैसों में कुछ बहुत सारी चीज़ें मिल गई। ऐसा मिसलीडिंग बिहेवियर या ऐसा फेक बिहेवियर नहीं होना चाहिए टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो ये जो दो चीज़ें होती है नॉर्मली, ये उनका मेन कंसर्न था। तो तब उस कमेटी ने क्या रेकमेंड किया कि सेलर का काम है कि वो सच बोले, एंड हाफ ट्रूथ भी नहीं, पूरा सच बोलना चाहिए टू अवॉइड हाफ ट्रूथ एंड टू अवॉइड दी, मतलब जो गलत हो रहा है कस्टमर्स के साथ, टू अवॉइड दैट। सचार कमेटी ने अपने पेपर्स दिए। हाउएवर, जैसे कि टाइम चेंज हुआ और भी नीड्स चेंज हुई, तो न्यू कंपटीशन लॉ की ज़रूरत महसूस हुई। जो एमआरटीपी एक्ट का काम क्या था, मेनली इट वाज फोकसिंग ऑन मोनोपोलीज, कि हमको मोनोपोलीज को कम करना है, एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इस चीज़ से अपना शिफ्ट हटा के कंपटीशन को प्रमोट करना अब हमारा न्यू एम हो गया था, प्रमोटिंग द कंपटीशन, फेयर कंपटीशन। ठीक है, दिस वाज अवर न्यू एम। तो अक्टूबर 1999 में गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बिठाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर S.V.S. राघवन, इसलिए उसको राघवन कमेटी भी बोलती है। सिनॉप्सिस में देखा होगा तुमने ये दो कमेटी के नाम। तो ये चेयरमैनशिप आई राघवन कमेटी की, राघवन कमेटी के चेयरमैन S.V.C. राघवन, इनकी कमेटी आई। उनका काम था मॉडर्न कंपटीशन लॉ को एडवाइस करना, या ऐसे कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देख के ऐसे कुछ प्रोविजंस लाना जिससे हमारे एमआरटीपी एक्ट को अमेंड किया जा सके। तब राघवन कमेटी ने उस पर काम किया और उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया मई 2000 में टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उनका जो रिपोर्ट सबमिट हुआ उसमें उन्होंने बहुत से कंडीशंस दिए थे ऑफ इफेक्टिव कंपटीशन, कि किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सकती टू कम्पीट फॉर बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटपुट, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद राघवन कमेटी ने क्या किया, एक ड्राफ्ट कंपटीशन लॉ नवंबर 2000 में गवर्नमेंट को दिया, और फिर वो कंपटीशन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया उसकी स्टैंडिंग कमेटी के पास। आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट ने दिसंबर 2002 में कंपटीशन एक्ट 2002 पास कर दिया, और फिर वहाँ से एमआरटीपी एक्ट को रिपील कर दिया गया एंड उसकी जगह कंपटीशन एक्ट 2002 पिक्चर में आया। तो दिस वाज द हिस्ट्री। सबसे पहले एमआरटीपी एक्ट था, उसमें बहुत अमेंडमेंट हुए, अलग अलग कमेटी ने अलग अलग सजेशंस दिए, फिर एंड में लास्ट में राघवन कमेटी ने उस पर काम किया एंड दे ब्रॉट द ड्राफ्ट कंपटीशन लॉ, और फिर उसके वजह से आगे कंपटीशन बिल हुआ जो पार्लियामेंट में पास हुआ, एंड देन इन दिसंबर 2002 कंपटीशन एक्ट 2002 पास किया गया और एमआरटीपी एक्ट को रिपील कर दिया गया। तो दिस वाज द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन लॉ इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में, यूएस हो गया, ईयू हो गया, यूके में, वहाँ पे कंपटीशन लॉ को किस तरीके से अमेंड किया गया है या एस्टैब्लिश किया गया है, या वहाँ पे क्या पॉलिसीज़ यूज़ किए गए। अगर इंडियन फ्रेमवर्क में हमने देखा तो क्या था, एक सिंगल लेगिस्लेशन था कि हमारे पास एक कंपटीशन लॉ है, एक सिंगल एजेंसी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। पर यूएस में ना दो बॉडीज़ है, हाँ दो बॉडीज़ है। तो यूएस का जो एंटी ट्रस्ट डिविज़न है ना, उसके एंटी ट्रस्ट मतलब क्या, कंपटीशन लॉ, सेम वर्ड तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एक है फेडरल ट्रेड कमीशन। तो ये हो गया DOJ, ये हो गया FTC। पहले का काम क्या है कि वो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और दूसरा क्या है, ये एक अपना अलग इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, जैसे कि हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेम लाइक दैट। शर्मन एक्ट एक बहुत पुराना US का फेडरल एंटी ट्रस्ट स्टैट्यूट है जो कि 1890 में आया था। एंटी ट्रस्ट लॉ है जो कि 1890 में आया था और इसका प्राइमरीली काम था एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट से डील करना और मोनोपोली एक्सरसाइज करना फर्म्स पे। फिर उसके बाद आया क्लेटन एक्ट 1914 जिसका काम था जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है लाइक एक्सक्लूसिव सप्लाई, मर्जर्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, टाइंग एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड पॉलिसीज फ्रेम करना। तो जो DOJ है और FTC है दोनों इंडिपेंडेंटली शर्मन एक्ट एनफोर्स करते हैं एज वेल एज क्लेटन एक्ट। पर अगर कोई पर्सन या कोई फर्म, कोई एंटिटी इसके प्रोविजंस को वायलेट करती है तो इन दैट केस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज़ द राइट टू एग्जीक्यूट अथॉरिटी या प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट कर सकता है एंड इट विल बी अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। इसको हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मानेंगे। तो ये हो गया US का। अब EU में क्या है, EU कंपटीशन लॉ फ्रेमवर्क एक ट्रीटी है, यहाँ पे है यूरोपियन यूनियन ट्रीटी। ये ट्रीटी में 2 आर्टिकल्स है, सॉरी, आर्टिकल 101 एंड 102। ये ट्रीटी का काम क्या है कि जो अग्रीमेंट्स है, जो अप्लीकेबल अग्रीमेंट्स है बिटवीन द EU मेंबर एंड द स्टेट, वो लॉ ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू होने चाहिए, थ्रू द लॉ एंटी ट्रस्ट लॉ मेंशन। और जो ईच कॉन्स्टिट्यूंट है, यहाँ पे क्या है, हर एक स्टेट का अलग अपना नेशनल कंपटीशन एजेंसी है, लेगिस्लेशन है। तो ट्रीटी ने खुद से कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, बट यहाँ स्टेट वाइज है। काउंसिल का काम क्या है कि यूरोपियन कमीशन दैट इज़ EC की जो ड्यूटी है उसका कंप्लायंस इंश्योर करना विद द ट्रीटी और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना, वेदर इट इज़ गेटिंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, और उसका डेवलपमेंट देखना। ये काम किसका था, यूरोपियन कमीशन का। इंडियन कंपटीशन लॉ में क्या होता है, यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सो मतलब सिमिलर कंसेप्ट लाइक EC का क्या है, यहाँ पे EC भी कमीशन है, राइट, यूरोपियन कमीशन है और इंडिया में भी कमिश्नर है। सो प्रोविजंस आर सिमिलर। तो US हो या EU हो, कुछ ना कुछ प्रोविजंस इंडिया का और वहाँ का सिमिलर है, जैसे कि इंडिया में भी एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है CCI और यहाँ पे भी सेम थिंग है, यहाँ EC है तो इंडिया में CCI है। तो फ्यू प्रोविजंस आर सेम। अब लास्ट है UK का जो कंपटीशन रूल है उसका काम है कि वो पहले तो अग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करे जहाँ पे कंपटीशन प्रिवेंट हो रहा है या फिर कंपटीशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, पर अगर कंज्यूमर के बेनिफिट में है तो देन उस अग्रीमेंट को, ठीक है, प्रोहिबिट मत करो। या फिर कोई ऐसा अग्रीमेंट बन रहा है बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर जिसके वजह से कंपटीशन प्रिवेंट हो रहा है, तो वैसे अग्रीमेंट को प्रोहिबिट करो। अगर कोई एब्यूसिव प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रांग मार्केट पोजीशन कोई पर्टिकुलर एंटिटी के पास है, तो वो चीज़ों को प्रोहिबिट करो। फिर मर्जर्स को मॉडिफाई करो या प्रोहिबिट करो। एक्विजिशंस हो गए, बिजनेस एसेट का एक्विजिशन हो गया, क्रिएशन ऑफ जॉइंट वेंचर हो गया, अगर ये सब से कंपटीशन प्रिवेंट हो रहा है तो ये चीज़ों को प्रोहिबिट कर दो। फिर अगर कोई पर्टिकुलर मार्केट में कुछ फंक्शनिंग इफेक्टिवली नहीं हो रही है तो जो अथॉरिटी है UK का, उसके पास पावर है कि वो पूरे मार्केट को स्टडी करे, रिव्यू करे, हाउ कंपटीशन कंडीशंस माइट बी इम्प्रूव्ड, इस पे विचार करे एंड देन अकॉर्डिंगली प्रोविजंस बनाए या अगर कुछ ऑफेंस हुआ है तो पनिश करें, अगेन दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, ओके। फिर अगर कोई ग्रांट ऑफ सब्सिडी प्रिवेंट करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर उसकी वजह से कंपटीशन प्रिवेंट हो रहा है तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो यूके में ऐसे कुछ रूल्स है कि कुछ अग्रीमेंट्स है जो प्रोहिबिट करने पड़ेंगे, या कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ मर्जर्स है, कुछ एक्विजिशन है, क्यों? अगर वो कंपटीशन को प्रिवेंट कर रहे तो उनको हम वहीं रोक देंगे, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। वहाँ पे फाइन भी बहुत ज़्यादा है और आई गेस इम्प्रिजनमेंट भी 5 साल से ऊपर का है। दिस वॉज अबाउट यूके। अब आ गया हमारा MRTP एक्ट के सेलियंट फीचर्स। तो MRTP एक्ट का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इकोनॉमिक पावर है वो अगर एक ही जगह जम रही है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है एक जगह वो हम प्रिवेंट करेंगे, तो द कॉमन डेट्रीमेंट। और फिर है कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज। मोनोपोली मतलब पूरा रूल एक ही इंसान कर रहा है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस MTP, प्रोहिबिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस RTP और प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस UTP। हालांकि बाद में ये जो 2 ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये अमेंडमेंट के बाद ये हटा दिए गए थे, तो वेरियस अमेंडमेंट्स हुए ना उसके बाद ये 2 हटा दिए गए थे, ऊपर के 2। फिर अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन MRTP एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट या डिफरेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तो ये पॉइंट्स याद रखना। MRTP एक्ट फर्स्ट कंपटीशन लॉ था जो इंडिया में बना, जिसके रूल्स रेगुलेशंस क्या कवर करते थे? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और कंपटीशन एक्ट क्यों लाया गया? टू प्रमोट कंपटीशन, ताकि हम इंश्योर करें कि बिजनेस का फ्रीडम सभी के पास है टू डू द बिजनेस। MRTP एक्ट प्री लिबरलाइजेशन था, बिफोर ग्लोबलाइजेशन एरा, और कंपटीशन एक्ट पोस्ट रिफॉर्म्स आया। MRTP एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन है उसको रोको, टू प्रिवेंट दैट, टू कॉमन डेट्रीमेंट एंड टू कंट्रोल मोनोपोलीज, प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। और कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी कोई प्रैक्टिसेस जिसका एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन पे उसको हम रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे, एंड वी विल प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट एट द मार्केट प्लेस एंड इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ऑब्जेक्टिव हो गया ये। MRTP इज डिटरमाइंड बाय फर्म्स साइज और कंपटीशन एक्ट इज डिटरमाइंड बाय फर्म्स स्ट्रक्चर। MRTP में 14 ऑफेंसेस है विच आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और कंपटीशन एक्ट में सिर्फ 4 ही ऑफेंसेस हैं जिसको हमने डीम किया है कि दोज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। MRTP कमीशन हैज़ द पावर टू पास ओनली सीज एंड डिजिट ऑर्डर। कंपटीशन के पास ऑर्डर क्या क्या पास कर सकता है? वो प्रिवेंट एंड पनिश सच दोज एक्टिविटी विच अब्यूजेस कंपटीशन। MRTP में कोई पेनल्टी नहीं है ऑफेंस के लिए, बट कंपटीशन एक्ट में ऑफेंसेस आर पेनलाइज्ड। MRTP एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंड फॉर द एक्टिविटीज़, पर कंपटीशन एक्ट में कंपटीशन फंड है टू प्रमोट द कंपटीशन एडवोकेसी एंड टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट कंपटीशन इशू, मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमॉन्ग द पीपल एंड टू ट्रेन देम। कंपटीशन एक्ट में एक अलग से फंड दिया गया है, कंपटीशन फंड। MRTP में एंटिटी हैव स्टेटस ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, अगर ऐसा कोई स्टेटस है तो उसको हम बैड कंसीडर करेंगे, और कंपटीशन में ऐसे कोई स्टेटस को बैड नहीं कंसीडर किया है, पर अगर उस डोमिनेंट पोजीशन का तुम फ़ायदा उठा रहे हो, यू आर अब्यूजिंग इट और यू मिसयूजिंग इट, तो फिर वहाँ पे इट इज़ इमोरल। MRTP कमीशन के चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एंड कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ रिटायर्ड जुडिशरी पर्सन हैविंग प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज इन वेरियस फील्ड्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंस एक्सेट्रा। MRTP एक्ट फोकसेस मेनली ऑन कंज्यूमर इंटरेस्ट एट लार्ज, और यहाँ के चेयरमैन का काम क्या है? MRTP किस पे फोकस करती है? कंज्यूमर इंटरेस्ट पे। और कंपटीशन एक्ट किस पे फोकस करता है? टू प्रिवेंट, MRTP फोकस करता है ऑन कंज्यूमर इंटरेस्ट, और कंपटीशन एक्ट किसको करता है? टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड टू प्रमोट कॉम्पिटिशन, राइट, ताकि फेयर एंड जस्ट कॉम्पिटिशन हो एंड इकोनॉमिक ग्रो करे. सो दिस इज द मेन फोकस ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट. अब कॉम्पिटिशन एक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या है? एंटी अग्रीमेंट. कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी एंटरप्राइज हो, ऐसे प्रोडक्शन सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई में नहीं अग्रीमेंट में आएगी जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कॉम्पिटिशन में. तो ऐसा कोई भी अग्रीमेंट हम एंटर नहीं करेंगे जिसका इंडिया के कॉम्पिटिशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट है. अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट है तो हम उसको इलीगल मानते हैं बाय लॉ. अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. तो हमने देखा कि कॉम्पिटिशन एक्ट में डोमिनेंट पोजीशन होना इज़ नॉट रॉन्ग, बट अगर यू आर यूजिंग इट इन अ रॉन्ग वे जिसका कॉम्पिटिशन पे फर्क पड़ रहा है, तो देन इट विल बी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी. कॉम्बिनेशन. अब कॉम्बिनेशन मतलब क्या? अगर एक्विजिशन है, मर्जर है. एक्विजिशन कैन बी ऑफ एसेट, कैन बी ऑफ शेयर्स, मर्जर्स. अगर दो कंपनी मिलके काम कर रही है तो चलेगा, बट अगर उसके वजह से कॉम्पिटिशन प्रिवेंट हो रहा है या कोई लिमिट के ऊपर ये मर्जर एक्विजिशंस हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे उन पार्टीज़ के अगेंस्ट पे स्क्रूटनी करेगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. जैसे यूएस का अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूके का अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी के पास पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे या किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दे, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहा है तो उसमें जो पार्टीज है उनको सू कर सके, कैन पेनलाइज देम. जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें 6 मेंबर्स है जिनका टास्क है कि इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को सस्टेन करना है, प्रमोट करना है, एंड टू फोस्टर एन आइडियल एनवायरमेंट फॉर इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन. अदर फंक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट पब्लिक welfare या public awareness on the same issue. So these are the salient features of Competition Act. Next है objective of competition law. Objective हमने module 1 में भी देखा था, कल definition के module में भी देखा. फिर से एक बार revise करते हैं क्योंकि important question है. तो objective क्या है? To prevent practices having adverse effect on competition, to promote and sustain competition in market, to protect the interest of consumer and to ensure freedom of trade carried on by other participants in market in India and for matters connected therewith or incidental thereto. मतलब ऐसी practices जिसका adverse effect है competition पे, उसको prevent करना, competition को promote करना, consumer interest को protect करना, and there should be freedom of trade, तो उसको ensure करना. और अगर इन सबसे related कोई और matter है connected with और incidental thereto, वो मैटर्स पे भी ध्यान देना. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन लॉ. तो दिस वाज मॉड्यूल 2. तो हमने इसमें क्या क्या कवर किया एक बार देख लेते हैं. हमने कंपटीशन लॉ का हिस्ट्री डेवलपमेंट देखा इंडिया का, फिर हमने ये देखा कि एंटी ट्रस्ट लॉ क्या होता है, फिर हमने यूएस, यूके, ईयू में क्या है कंपटीशन लॉ के प्रिंसिपल्स, प्रोविजंस, वो स्टडी किए. कमेटी रिपोर्ट्स देखे, 2 कमेटीज़ देखे हमने उसमें. एमआरटीपी एक्ट के सेलिएंट फीचर्स देखे, दोनों एक्ट को कंपेयर किया. द न्यू कंपटीशन एक्ट 2002 के ऑब्जेक्टिव्स और सेलिएंट फीचर्स देखे. इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑलरेडी प्रीवियस मॉड्यूल में कवर किया गया है, एंड ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कंपटीशन लॉ इन यूएस, यूके एंड ईयू, ये भी हमने कवर किया विथ इंडियन लॉ. So I hope you understood the topic. Thank you.